छपरा राजकीय रेल पुलिस ने छपरा जंक्शन और आसपास जंक्शन क्षेत्रों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले 3 चोरों को 5 मोबाइल के साथ धर दबोचा। पकड़े गए मोबाइल चोर बेतिया, छपरा और सिवान के बताए जा रहे हैं। दरअसल ये मोबाइल चोर सोए हुए हैं और जल्दी में ट्रेनों पर चढ़ने सहित अन्य कार्यों में ध्यान से भटकते ही ये मोबाइल चोरी कर लेते हैं, जिसकी शिकायत मिलते ही GRP ने सभी चोरों की पड़ताल CCTV में करने के साथ ही उसे दबोच लिया। इसके साथ ही नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत GRP में ये पहला मामला है। CCTV में चोरों को चोरी करते हुए साफ देखा जा सकता है। पकड़े गए 3 चोरों को जेल भेज दिया गया। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। हम लोगों ने कल 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया, इसको हम लोग भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। पहले हम लोग दंड की बात करते थे, लेकिन अब नए कानून में हम लोग उसको अब न्याय की बात कर रहे हैं। तो उसके तहत हम लोगों ने पहला केस किया और 3 ऐसे चोर जो कि अंतर्राज्यीय टाइप के चोर हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से लेके और गोरखपुर के बीच में चोरी करते हैं, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया और नए कानून के तहत मौके का वीडियोग्राफी करा करके और प्रॉपर उसका हैज वैल्यू निकाल करके हम लोगों ने उस केस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया। क्या लगता है कि अब जो भारतीय न्याय संहिता है, उस लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगी। देखिए, पहले जैसे कि लोग कहते थे कि पुलिस ऐसे करती है, गलत काम करती है, गलत उनको केस में प्लान करती है, इल्जाम लगाती है, तो वह सब नहीं होगा। क्योंकि चोर पकड़े गए, कैसे चोर हैं ये? ऐसे चोर हैं जो कि हमारे रेल के यात्री होते हैं, वह सोए रहते हैं, कभी रात में थके हारे या ट्रेन में बैठे हुए हैं, कभी बाथरूम टाइप गए, 2 मिनट खाली मिला, उस समय उसके मोबाइल को उसके सामान को लेके भाग जाता है। 5 मोबाइल बरामद की हुई है, एक उसमें जलालपुर के रहने वाला लड़का है और वो छपरा के आसपास की दोस्त में। सब मोबाइल चोरी के हैं। तो उसके तो मेरे पास उसके चोरी करते हुए वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने उसका रिकवर किया हुआ है जंक्शन से, तो हम लोगों ने केस में सबमिट किया हुआ है। BNS के तहत पहला मामला है छपरा में, BNS के थ्रू पहला केस हम लोगों ने कल दर्ज किया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।